तो वहीं रोहतक में आम आदमी पार्टी द्वारा हरियाणा प्रदेश में सीनियर प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के बाद अनुराग ढांडा ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप पार्टी का संगठन अब भाजपा के उन पन्नों को फाड़ डालेगा जिसके दम पर वो संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं। यही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को तो कॉपी पेस्ट वाला नेता करार दिया। तो वहीं उन्होंने नई संसद भवन के उद्घाटन को राष्ट्रपति द्वारा नहीं कराए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। का पूरा हरियाणा इंतजार कर रहा था। आज आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन अनाउंस कर दिया है। 1000 से ज्यादा पदाधिकारियों का डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का हमने 17 विंग्स के साथ संगठन अनाउंस किया है, जिसमें बहुत मजबूत साथी जो ग्राउंड पे काम करने में सक्षम है, लोगों तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पहुंचा पाने में सक्षम है, वो सारे मजबूत साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक फॉर्मल तरीके से पदाधिकारी के रूप में। और अब ये पूरी फोर्स ग्राउंड पर निकलेगी और आने वाले दिनों में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का काफिला किस तरीके से जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख की पुरानी कहानी वो सुना रहे हैं, वो कहानियां हमने खूब देखी हैं। इनके सारे पन्ने फाड़ देंगे, आप एक दो महीना रुक जाओ, ग्राउंड पे हमारे साथियों को उतरने दो, इनके सारे पन्ने फटते हुए हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। और वो अच्छी तरह से जानते हैं हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के लोगों को कार्बन कॉपी पसंद नहीं है, ओरिजिनल पसंद है। अगर उनको इन्हीं वादों पे वोट करना हुआ तो आम आदमी पार्टी को, ओरिजिनल पार्टी को वोट करेंगे। उनकी जो डुप्लीकेट कार्बन कॉपी बनाए घूमते हैं हुड्डा साहब, हर मीटिंग में बोलते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, अरे दो ना राजस्थान में, हिमाचल में देते क्यों नहीं? हम तो लगातार ये कहते हैं, ये कह सकते हैं, हमारे वादों को चोरी कर सकते हैं, हमारे मैनिफेस्टो जैसा मैनिफेस्टो बना सकते हैं, कर नहीं पाएंगे। एक देश में अगर संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, नए संसद भवन का, और देश की राष्ट्रपति जो कि दलित पिछड़े वर्ग से आती हैं, अगर वो उनको आप नहीं बुला रहे हैं उस समारोह में, तो इससे क्या संदेश जाता है? हमारे लोकतंत्र की हेड है, वो सबसे बड़ा चेहरा है, सब महामहिम उनको कहा जाता है, और आप उनको नहीं बुला रहे हैं ताकि एक चेहरा चमक सके। एक व्यक्ति अपनी प्रधानता के लिए, अपनी तानाशाही के लिए कैमरे पे वही नजर आए, प्रोटोकॉल में वही सबसे ऊपर नजर आए, सिर्फ इस चीज के लिए। अगर अपने अहंकार के लिए कोई व्यक्ति सारी मर्यादाओं को ताक पे रख दे, तो लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी को तो संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि सारी विपक्षी पार्टियां लोकतंत्र की इस लड़ाई में एकजुट हो रही हैं, और उन सब ने यह साझा फैसला किया कि जहां हमारी राष्ट्रपति जी का सम्मान नहीं, जहां उनको नहीं बुलाया जा रहा, वहां पे हम जाके क्या करेंगे।